कुक विद मानसी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ चॉकलेट डेकोरेशंस जिससे आप किसी भी तरह के केक को, पेस्ट्रीज को या फिर डेजर्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चॉकलेट डेकोरेशंस बनाना। यहाँ मैंने ये प्लास्टिक शीट ली है, इसको हम प्रोजेक्टर शीट भी बोलते हैं, और इसको हम कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम लेंगे मेल्टेड चॉकलेट, तो यहाँ मैं डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट चॉकलेट भी यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें चॉकलेट को इसके ऊपर फैलाना है। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं करना है, क्योंकि अगर चॉकलेट की लेयर आप बहुत पतली सेट करेंगे तो चॉकलेट उतनी ही जल्दी मेल्ट भी होने लगेगी और डेकोरेशन हमारी अच्छी नहीं बनेंगी। अब मैं यहाँ पे ये स्क्रेपर यूज़ करूँगी और इस तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है। अगर आपके पास इस तरह का स्क्रेपर नहीं है तो आप कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, कॉम्ब आपको या तो नया यूज़ करना है या फिर एकदम साफ़ कर लें तब आप इसको यूज़ करें। इस तरह से हम चिपका देते हैं और 15-20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं जिससे ये सेट हो जाएगा। तब तक हम दूसरा डिज़ाइन बना लेते हैं। चॉकलेट को अच्छी तरह से हम प्रोजेक्टर शीट के ऊपर फैला लेंगे। इस तरह की शीट्स आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। नाइफ से इसको एक बार हम स्मूथ कर लेते हैं। फिर से हम स्क्रेपर यूज करेंगे। जितनी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको हटा देते हैं। इसको हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने से पहले आप इसे किसी भी प्लेट में या किसी भी ट्रे में पहले इस तरह से रख लें और फोल्ड कर लें। साइड में आप टेप लगा दें जिससे ये इसी तरह से रुका रहेगा, और 10-15 मिनट के लिए इसे भी फ्रिज में रखेंगे जिससे ये भी सेट हो जाए। अब हम फिर से लेंगे मेल्ट की हुई चॉकलेट और इसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, चॉकलेट की लेयर हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं फैलानी है, इसको हम हल्का सा थिक रखेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि लेयर अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो हमारी डेकोरेशंस अच्छी नहीं बनेंगी। एक बार इसको स्मूथ कर लेंगे और अब हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। इसे हमें हल्का सा सेट करना है, पूरी तरह से सेट नहीं करना है। ये देखिए, मैंने इसे 5 या 6 मिनट बाद फ्रिज में से बाहर निकाला है। चॉकलेट हल्की सेट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे कुछ ये कटर यूज़ किए हैं। आप किसी भी शेप का कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो, और इस तरह से हम कट करेंगे। आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी सेमी सेट है, इसलिए हम आसानी से इसे कट कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि चॉकलेट आपकी सेमी सेट नहीं हुई है तो 2 से 3 मिनट के लिए फिर से इसे आप फ्रिज में रख दें और तब उसके बाद आप डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे ये बटरफ्लाई वाला कटर यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसको फिर से 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब सभी डेकोरेशंस हमारी सेट हो गई हैं। तो ये डेकोरेशन जिसे हमने सबसे पहले बना के तैयार किया था, इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। बहुत ही ध्यान से करेंगे ये काम, और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी, तो थोड़ा आपको जल्दी करना होगा, नहीं तो ये एकदम ही मेल्ट हो जाएगी और जो हमने डेकोरेशंस बनाई हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया डेकोरेशन बनके तैयार हुई है। किसी भी केक के ऊपर अगर आप इसे लगाएंगे तो बहुत बढ़िया केक बनेगा। इसी तरह से ये हमारे हार्ट्स भी सेट हो गए हैं।
देखिए कितने अच्छे कर्ल्स बने हैं। तो बहुत ही आराम से हम एक एक कर्ल को अलग कर लेते हैं। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होने लगी है, इसलिए ये टूट गया है हल्का सा। जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में चॉकलेट डेकोरेशन बनाई थी, उसी तरह से मैंने ये भी बनाया है। मैं इसके सभी पेटल्स को अलग करके आपको दिखा रही हूँ। तो अब आपके पास दोनों ही तरह के ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप एक एक पेटल को अलग करके भी केक या पेस्ट्रीज को डेकोरेट कर सकते हैं, या इस पूरी डेकोरेशन को भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। जिस तरह का आप केक या पेस्ट्री बना रहे हैं, उस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक एक पेटल कितनी आसानी से बाहर आ रही है और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो ये सभी चॉकलेट डेकोरेशंस हमने बना ली हैं। आपने देखा इन्हें बनाना बहुत ही इजी है। आप इन्हें बना लें, उसके बाद आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहें आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।